हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर हम देखेंगे छोटा सा डिफरेंस अलग अलग कंपनीज के ऊपर, जैसे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी। एग्जाम पर्पस के लिए इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इनके मेंबर्स के बारे में, डायरेक्टर्स किसने होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ओके तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन देखते हैं इसके अंदर। सेक्शन सबसे पहले पब्लिक कंपनी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। पब्लिक कंपनी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। फिर आता है प्राइवेट कंपनी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 किसका है? प्राइवेट कंपनी का। फिर देखते हैं ओपीसी वन पर्सन कंपनी का कौन सा सेक्शन है फ्रेंड्स? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 है। और स्मॉल कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 है। अलग अलग कंपनीज का हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग के अंदर सबसे पहले देखते हैं पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। पब्लिक कंपनी इन विच एनीवन कैन बिकम अ मेंबर। पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कोई भी मेंबर बन सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी मींस इन ए कंपनी एनीवन कैन बिकम मेंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी का हम देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर। प्राइवेट कंपनी इन विच ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन होल्ड द शेयर, नॉट अ थर्ड पार्टी। प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब है? इसके अंदर क्या होता है? ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन है वो क्या बन सकता है? इसके अंदर क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं बन सकता। नाम से क्लियर है, पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी बन सकता है और प्राइवेट कंपनी के अंदर कौन सी कोई स्पेसिफिक ग्रुप, ओनली स्पेसिफिक ग्रुप बन सकता है क्या? मेंबर। ओके, अब हम देखते हैं ओपीसी वन पर्सन कंपनी। नाम से क्लियर है, ओनली वन पर्सन कैन बिकम मेंबर। ओपीसी के अंदर केवल एक ही व्यक्ति का बन सकता है, एक ही पर्सन क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। अब देखते हैं हम स्मॉल कंपनी का सेक्शन कौन सा है फ्रेंड? सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 स्मॉल कंपनी जो प्राइवेट कंपनी, मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में उसके अंदर हर कंपनी को डिस्क्राइब किया है, उसका मीनिंग क्या है, इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो स्मॉल कंपनी कंसीडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है, बट इसकी एक स्पेसिफाइड लिमिट है, किसकी? कैपिटल और टर्नओवर की। अगर उससे बिलो है, कैपिटल और टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से बिलो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी बोलेंगे। स्मॉल कंपनी इज कंसीडर्ड एज ए प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी बट हैविंग कैपिटल एंड टर्नओवर बिलो स्पेसिफाइड लिमिट से बिलो होनी चाहिए, तो वो प्राइवेट कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल कंपनी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मीनिंग के बाद हम देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप के अंदर क्या है? मेंबर्स मिनिमम मेंबर्स कौन सी कंपनी में कितने होते हैं और मैक्सिमम मेंबर कौन सी कंपनी में कितने होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेंबर्स के अंदर सबसे पहले आता है मेंबरशिप पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम मेंबर पब्लिक के अंदर कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम की नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबरशिप मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबरशिप मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ओपीसी के अंदर नाम से क्लियर है, वन पर्सन कंपनी है, इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन, ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक पर्सन की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी कितने होते हैं इसके अंदर? एक ही होता है। फिर आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। अगर स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी हुई तो उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 2 होंगे। अगर वो ओपीसी हुई, स्मॉल कंपनी अगर ओपीसी हुई, तो क्या हो जाएंगे उसके अंदर मेंबर्स कितने हो जाएंगे? मिनिमम 1 हो जाएंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स किसके अंदर? स्मॉल कंपनी के अंदर कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए। तो मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है किसके अंदर? पब्लिक के अंदर। प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ओपीसी के इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक पर्सन होता है, और मैक्सिमम के लिए भी एक मेंबर चाहिए। अगर स्मॉल कंपनी के अंदर मिनिमम कितने चाहिए? 1 या 2। 1 किस कब चाहिए? जब वो ओपीसी हो, और प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी प्राइवेट में हो तो 2 चाहिए, और मैक्सिमम 200 चाहिए। ओके, अब मेंबरशिप के बाद देखते हैं हम डायरेक्टर्स। कौन सी कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? ओके फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। किसके अंदर? पब्लिक कंपनी के अंदर। और मैक्सिमम बीओडी कितने होने चाहिए? 15।
मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। अगर हमको 15 से ज्यादा चाहिए, अब वो 15 चाहिए, तो जनरल मीटिंग के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या एडमिसिबल होगा। अगर 15 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए तो हमको जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर प्राइवेट कंपनी को हम लेते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट इसकी भी क्या है? 15 है। कितनी है? 15 है, 15 है और अबव 15, मतलब 15 से ज्यादा चांस लेने के लिए हमको वही जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अब ओपीसी 1% कंपनी के अंदर देखते हैं, इसके अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 1 होता है। ओके, मैक्सिमम इसके अंदर भी क्या होते हैं? 15 होते हैं और अबव 15 के लिए हमको वही जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स मिनिमम वही, अगर ओपीसी हुआ तो 1 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, अगर वो प्राइवेट हुआ तो 2 चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट ओपीसी और प्राइवेट कंपनी के ऊपर बेस्ड है मिनिमम वाला। मैक्सिमम इसके अंदर कितने चाहिए? 15 चाहिए। स्मॉल कंपनी के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 15 चाहिए और अबव 15 से अबव के लिए हमको वही जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स देखो, प्राइवेट कंपनी के अंदर मतलब ये जो चित्ती कंपनी है इसके अंदर डायरेक्टर्स तो देख लो मैक्सिमम कितने, 15 तो सबसे सब जगह है, ये मैक्सिमम डायरेक्टर कितने? 15। अगर 15 से ज्यादा चाहिए तो सबके लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जोन किसमें है? केवल मिनिमम को याद रखने में ही है। पब्लिक है, पब्लिक लेवल के ऊपर है, पब्लिक लेवल के ऊपर है तो इसके अंदर क्या है? 3 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट है उसके अंदर कितने चाहिए? 2 डायरेक्टर चाहिए। और ओपीसी 1 है तो इसके अंदर 1 डायरेक्टर ही चाहिए होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर्स के बाद हम देखते हैं राइट टू ट्रांसफर शेयर। ओके फ्रेंड्स, राइट टू ट्रांसफर शेयर के अंदर हम देखते हैं कि पब्लिक कंपनी है, वहां पर शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके अंदर? पब्लिक कंपनी के अंदर। पब्लिक कंपनी के अंदर राइट टू ट्रांसफर शेयर के अंदर हम देखते हैं पब्लिक के अंदर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। यहां पर हम शेयर्स को क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्ट बाय AOA। प्राइवेट कंपनी के अंदर हम क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर को, ये रेस्ट्रिक्ट करता है बाय AOA। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा रेस्ट्रिक्शन है कि हम शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओपीसी के अंदर चॉइस टू रेस्ट्रिक्ट, मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर हमारे पास चॉइस है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उस हमारी चॉइस है। रेस्ट्रिक्ट कर रखिए, हमारे पास चॉइस है कि हम रेस्ट्रिक्ट करें या ना करें। और स्मॉल कंपनी डिपेंड ऑन ओपीसी और प्राइवेट। अगर ओपीसी हुई तो हमारे रेस्ट्रिक्शन का हमारे पास चॉइस है, अगर वो प्राइवेट हुई स्मॉल कंपनी तो रेस्ट्रिक्ट बाय AOA वो है ही। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर के अंदर पब्लिक के अंदर फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, प्राइवेट के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर के और ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर। ओपीसी के अंदर हमको चॉइस मिल जाती है और ये स्मॉल कंपनी डिपेंड होता है कि वो ओपीसी है या फिर प्राइवेट कंपनी है। ओके फ्रेंड, फिर हम देखते हैं मैक्सिमम लिमिट किसकी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल एंड टर्नओवर। अलग अलग कंपनी की अलग अलग मैक्सिमम लिमिट होगी कैपिटल की। ओके, तो मैक्सिमम लिमिट हम सबसे पहले देखते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के अंदर नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ओके, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है किसकी? कैपिटल और टर्नओवर की। ओपीसी के अंदर मैक्सिमम लिमिट है फ्रेंड्स, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अगर पीयूएससी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख होना चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए, तो वो ओपीसी होगी। इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कितना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए? 50 लाख तक, मतलब 50 लाख तक इसका पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। और मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? 2 करोड़। अगर ये लिमिट के अंदर मैक्सिमम इतना होना चाहिए तो वो मैक्सिमम, अगर इससे ऊपर गया तो फिर उसका अलग कारनामा है, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 लाख, पीयूएससी और टर्नओवर 2 करोड़। ओके, अब स्मॉल कंपनी के अंदर हम देखते हैं, स्मॉल कंपनी के अंदर मैक्सिमम कैपिटल और टर्नओवर, मैक्सिमम पीयूएससी इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख, और इसका टर्नओवर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 करोड़। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो ये लिमिट है पीयूएससी और टर्नओवर की, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की, पेड अप शेयर कैपिटल की 10 करोड़ तक कर सकती है और टर्नओवर का 100 करोड़ तक कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो मैक्सिमम लिमिट में हम देखते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, प्राइवेट के अंदर भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यहाँ 50 लाख और 2 करोड़ की है और यहाँ पे भी 50 लाख और 2 करोड़ की है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने मीनिंग देख लिया, मेंबर्स देख लिया, मेंबर्स मिनिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए,
डायरेक्टर्स देख लिए हमने, डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, राइट टू ट्रांसफर शेयर, शेयर को ट्रांसफर करने के राइट्स देख लिए, और मैक्सिमम कैपिटल एंड टर्नओवर देख लिया। इस पूरे को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको 15-20 सेकंड देता हूं, इसको पोज करके आप पूरा क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। हम इसके आगे दो पॉइंट और है जिसके अंदर प्रोस्पेक्टर और इश्यू, प्रोस्पेक्टर इश्यू के बारे में बता रखा है, और इन्विटेशन टू पब्लिक बता रहा है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बता रखा है। तो आप पोज करके प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब मैं दो पॉइंट्स जो मेरे बाकी रह गए थे वो मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं, यहां तक तो ये मैक्सिमम लिमिट ऑन कैपिटल, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल एंड टर्नओवर आपने लिख लिया होगा यहां तक। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इससे आगे ये वाला पॉइंट है और इसके बाद ही ये वाला पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, ऊपर नीचे मत लिख लेना, इसके बाद हमको ये लिखना है और इसके बाद हमको ये लिखना है, ये पहले मैंने डायरेक्टर ये बता दिए। अब पब्लिक इन्विटेशन, पब्लिक इनविटेशन या पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउ है या नहीं, अलग अलग कंपनी के अंदर हम देखेंगे। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है, ये पब्लिक है तो फ्री टू इनविटेशन, मतलब फ्री टू इनवाइट, हम पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए फ्री इनवाइट, मतलब फ्रीली, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन और कोई प्रोहिबिशन नहीं है, हम फ्रीली इन्वाइट कर सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर देखते हैं, प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग, या प्रोहिबिटेड या पब्लिक इन्विटेशन पॉसिबल नहीं है या प्रोहिबिट कर रखा है। ओपीसी के अंदर, ओपीसी के अंदर हम इन्वाइट कर सकते हैं क्या पब्लिक को, देयर इज ओनली वन मेंबर, ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होता है, तो पॉसिबल है क्या इन्विटेशन, नहीं है। ओके, फिर आता है स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के अंदर भी प्राइवेट कंपनी के जब प्रोहिबिटेड है तो स्मॉल कंपनी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन या पब्लिक इन्विटेशन प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर पब्लिक कंपनी कैन इश्यू प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक कंपनी इश्यू कर सकती है प्रोस्पेक्टस को, प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, और ओपीसी, ओपीसी कर सकती है क्या, ओपीसी भी नहीं कर सकती, यहाँ पे जब इन पब्लिक सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, पब्लिक इनविटेशन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, या एक ही मेंबर है, तो क्या पब्लिक इन्विटेशन या फिर प्रोस्पेक्टस इशू पॉसिबल है क्या, नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो इशू नॉट पॉसिबल, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती ओपीसी। और स्मॉल कंपनी के अंदर भी क्या कर रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है, तो पब्लिक इनविटेशन यहाँ पे फ्रीली इनवाइट है, प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोहिबिटेड कर रखा है, ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होता है, पॉसिबल ही नहीं है, और स्मॉल कंपनी के अंदर ही प्रोहिबिटेड कर रखा है। प्रोस्पेक्टस इश्यू यहाँ पे कर सकती है पब्लिक कंपनी, इश्यू कर सकती है प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, ओपीसी के अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का, और स्मॉल कंपनी के अंदर भी प्रोहिबिट कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितने, मेंबर मिनिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो पब्लिक कंपनी को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अंदर, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर, ओपीसी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर, इसको 68, इसको 62 के अंदर, और स्मॉल कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो कंपनी लोगों का छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच।